घटना मऊरानीपुर मोहल्ला शिवगंज निवासी वृद्ध कादर मुल्ला पुत्र हाजी हुसैन की है। उसे समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष के द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया है। इस सपा नेता द्वारा 70 वर्षीय वृद्ध को पैसे की लालच की खातिर विभिन्न तरीकों से परेशान कर रहा है। तहसील दिवस में अर्धविक्षिप्त पुत्र और अपनी पुत्री के साथ तहसील दिवस में खड़ा नजर आया। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीड़ित का आवास आवंटन हुआ था, लेकिन सपा नेता इस असहाय का पैतृक मकान बनने नहीं दे रहा है। अपनी राजनीतिक पकड़ के बलबूते पर इस गरीब परिवार को हर तरीके से परेशान करता है। ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है। पीड़ित वृद्ध की समस्या के हल के लिए अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे। कहाँ की निवासी है? कहाँ की रहने वाली? परवालीपुरा, मऊरानीपुर। क्या समस्या है, क्या परेशानी? आवास नहीं आ रही है, 1.5 साल हमने ऊपर से नीचे उतरे फार्म जमा करके ये काटे 20,000 रुपये लगे तो हम गरीब आदमी कहाँ से ले रहे हैं। 20,000 आपकी भी यही समस्या है? क्या समस्या है आपकी? क्या नाम है आपका? बेनी भाई। और आपकी क्या समस्या है? यही आवास की है। आवास नहीं है, नीचे उतरा 20,000 रुपया मांगा। क्या नाम है आपका? फुल्लर। कहाँ की निवासी हो? परवाईपुरा। चिंते नहीं है, बहुत परेशान है, हमारे आदमी को बिल्कुल दिखता नहीं है। नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गो आश्रय केंद्र पर समुचित व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका परिषद द्वारा बन रही सीसी सड़कों लूट का केंद्र बन गई है। सफाई व्यवस्थाएं चौपट है। उच्च अधिकारियों से साठगांठ करके आम जनता की शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और योगी सरकार की साख में बट्टा लगाने का काम कर रही है। मुकेश सिंह व भूपेंद्र सिंह झाकरी की रिपोर्ट। क्या मसला है नगर पालिका बनवाती है। नगर पालिका ठीक है, हम चेयरमैन के पास भी गए थे, कह रहे हैं आपका मामला तो छोड़ पड़ा, ये आपको पता नहीं है क्योंकि और हमने सफर की है बीजेपी से, तो बोले कि तुम्हें मुसलमान से अलग कर दिया जाएगा, तुमने कैसे नहीं तुम वहाँ फिर हो तो मैं भगा दिया जाएगा, गवालिये फेंक देंगे तुमको। जब हमारी ससुराल वाली रखते हम कहाँ जाएँ, हम अपने पिताजी के साथ रहते हैं। क्या क्या बाबू जी क्या दिक्कत है आपको? क्यों परेशान कर रहा है? आपने अधिकारियों से कहा शिकायत की आपने? कोई सुन नहीं रहा आपकी? कोई नहीं सुन रहा है। बनाओ नहीं मकान, रावत जी आए बहुत आए नगर पालिका के, नहीं बनने देंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? आप अपने पिताजी आत्महत्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सूचना नहीं करेंगे किसी को, उसकी ड्यूटी करेंगे, पुलिस की होगी, प्रशासन की होगी। हमारे विकलांग भाई अब बस स्टेशन पे आवाज लगाता है, बोला राजू के मुखा परेशान करना जो व्यक्ति करना है जो व्यक्ति करना सारे लोग उनके सारे मोहल्ले से डरते हैं, गवाही दे दो सबके घर में, हम किसी के घर में नहीं आप हमारे लेबर को भगाया, हमारे कारीगरों को भगाया, हमारे।